अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो यार। वेलकम बैक टू ओ लेवल मेड इजी। आज की वीडियो होने वाली है ऑन मेनिस्कस। मेनिस्कस एक केमिस्ट्री का टॉपिक है जो कि यूज़ होता है टाइट्रेशन के टाइम, और उस टाइम जब आप कोई भी लिक्विड की रीडिंग ले रहे होते हैं, चाहे ब्यूरेट में ले रहे हो चाहे पाइपेट में ले रहे हो। मेनिस्कस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इवन ये बीकर में भी आता है। ये है एक्यूरेसी से रिलेटेड। एक्यूरेसी का क्या मतलब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, मतलब टू बी एक्यूरेट वैल्यू। अगर आप किसी भी चीज़ की लेना चाहते हो, मान लो कोई लिक्विड लेवल है, आप उसकी एक्यूरेट वैल्यू लेना चाहते हो, तो जो लाइन आप पढ़ते हो उसको मेनिस्कस बोलते हैं। अब मेनिस्कस दो तरीके की होती हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेनिस्कस को एक्चुअली रीड कैसे किया जाता है, ताकि आप कम से कम गलती करो और आपके कम से कम मार्क्स जाएं। सबसे पहले हमने यहाँ ब्यूरेट में कलरलेस लिक्विड यानी कि वाटर को ऐड कर लिया है। ये जो ऊपर लाइन नज़र आ रही है ये अपर मेनिस्कस कहलाती है, और जो नीचे लाइन नज़र आ रही है ये कहलाती है लोअर मेनिस्कस। अब हमने क्या करना है, हमने रिएक्शन शुरू करना है, यानी टाइट्रेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप टाइट्रेशन को शुरू कर देंगे तो आपने क्या करना है कि ऐसा लिक्विड जिसकी लोअर मेनिस्कस नज़र आ रही हो, तो जब ये रिएक्शन ख़त्म होगा, जब हम ये फाइंड आउट करते हैं कि कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ, तो तब भी हमने क्या करना होता है कि हमने ये देखना होता है कि लोअर मेनिस्कस एक्चुअली इस टाइम पे कहाँ पे है, ठीक है, और हमने उसकी रीडिंग लेनी होती है। जैसे इस केस में 5.3 जो है उसके ऊपर लोअर मेनिस्कस आ रही है, तो ये है हमारा रिज़ल्ट। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे ले रहे हैं वो है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। इस सोल्यूशन में भी आप देख सकते हैं कि आपको लोअर मेनिस्कस नज़र आ रही है। तो अगर कोई भी ऐसा लिक्विड हो जिसके अंदर लोअर मेनिस्कस नज़र आ रही है, तब आपने तब भी उसकी लोअर मेनिस्कस से ही रीडिंग लेनी है। अब ये दोबारा से जब आप ये रिएक्शन कर रहे हो, जब ये रिएक्शन ओवर होगा उस टाइम पे एंड पॉइंट पे भी आपने जब रीडिंग लेनी है, तो आपने रीडिंग लेनी है लोअर मेनिस्कस को पढ़ते हुए, जो कि इस केस के अंदर 5.8 के ऊपर आ रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूँ, चाहे कलरलेस हो चाहे कलर वाला हो, लोअर मेनिस्कस अगर नज़र आ रही है तो आपने तब उसकी रीडिंग लेनी है। इसके बाद हमें जो सोल्यूशन लिया है वो इतना डार्क है कि उसके लोअर मेनिस्कस विजिबल ही नहीं है। सो हमें ऐसे केसेस में अपर मेनिस्कस की रीडिंग लेते हैं, और जब ब्यूरेट को फिल करते हैं तो ऐसे फिल करते हैं कि अपर मेनिस्कस जीरो लाइन को टच करे, जैसे कि इस केस में कर रही है। जब आप रिएक्शन को स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद जो फाइनल रीडिंग आएगी वो भी आपने अपर मेनिस्कस को ही देखते हुए लेनी है, बिकॉज़ यहाँ पर आपके पास लोअर मेनिस्कस तो है ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही लाइन नज़र आ रही है। सो इस केस के अंदर वो है 3.8, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब भी वो किसी लिक्विड के लेवल को रीड कर रहे होते हैं, वो ये नहीं देखते कि जो बीकर है वो जिस सरफेस के ऊपर आपने रखा है, क्या वो खुद प्लेन है कि नहीं है। अगर वो सरफेस ही प्लेन नहीं है तो आपको रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट कैसे मिलेगा। सो इस बात को भी ध्यान रखना है कि वो जो सरफेस है, अब लाजमी सी बात है जिस लैब में आप होते हो वहाँ पर सरफेस बिल्कुल फ्लैट होती है, लेकिन अगर उसके अलावा आप कहीं पे भी कर रहे हो, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि सरफेस आप पहले एक दफ़ा ख़ुद देख लें क्या वो प्लेन है कि नहीं है। वेल, आज की वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म। अगर आप मज़ीद इस तरीके की वीडियो देखना चाहते हो तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, यूट्यूब के ऊपर ओ लेवल मेड इजी, या आप नीचे थोड़ा सा ऐसे वीडियो के नीचे जाएंगे तो वहाँ भी आपको मिलेगा मेरा चैनल ओ लेवल मेड इजी, जहाँ पे बहुत सारी आपको वीडियोज़ मिलेंगी। एक्चुअली मैंने अभी भी स्टार्ट किया, लेकिन अपकमिंग में बहुत ज़्यादा मिलेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।